कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए आइडियाज की कमी नहीं होती। लोग एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और एक बेहतरीन स्टार्टअप की शुरुआत हो जाती है। जब कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत सारे लोग इस बात को कहने से पीछे नहीं हटते कि ये मेरा आइडियाज था जो सामने वाले ने कॉपी किया है। एक्चुअली आइडियाज कभी कॉपी नहीं होते, ये सब एक्शन लेने के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं कोई नया काम शुरू करना चाहता हूं और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडियाज है, लेकिन मैं हमेशा सही समय के इंतजार में हूं और उसे शुरू ना करने के लिए मैं खुद से बहुत सारे बहाने बनाता हूं, और कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि मेरे उसी आइडियाज का इस्तेमाल करके किसी ने वो काम शुरू कर दिया है और आज की तारीख में वो एक सफल इंसान है। तो मैं यह नहीं कह सकता कि सामने वाले ने मेरे आइडियाज को कॉपी किया है। यहां पर बात आती है टालमटोल की। हम किसी भी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने से पहले सही समय का वेट करते हैं, जबकि वो सही समय कभी नहीं आता। अपने जरूरी कामों को कल पर टालना आपके भविष्य को अंधकार में ढकेलने के समान है। आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपके पास जो सुविधाएं हैं, आप उसी से अपने कामों की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो सभी चीज अपने आप ही बेहतर होती चली जाएंगी। आपको बस एक बार शुरुआत करने की देर है। टालमटोल कर आप सिर्फ खुद को धोखा दे सकते हैं। यदि आपको खुद पर विश्वास है, अपने आइडियाज पर भरोसा है, तो आप जो करना चाहते हैं उसे शुरू कीजिए। हर दिन टालमटोल कर आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों को आइडियाज कॉपी करने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। टालमटोल आपकी सफलता की सबसे बड़ी बीमारी है और आज ही इसे आपको खत्म करना होगा और इसका इलाज शुरू करना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे मेहनत के बाद इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार कर पाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।